बड़ा चल रहा किसान 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 परेशान। हाँ तो परेशानी तो रहे तो न भाजपा न सपा न कोई न छड़ी। कितने नंबर दोगे आप बाबा? का नाम है 8-10 नंबर तो उनको मिलना चाहिए। 8-10 मिलना चाहिए। पास है। हाँ पास है। बुल ये तो गुंडों की सरकार है, समाजवादी सरकार। गुंडों की सरकार है। बिल्कुल गुंडों की सरकार। बड़ी बात, गुंडों की सरकार। ये कहा गया कि हम पूर्वांचल में भी बर्फ भेजेंगे, हम गोरखपुर ठंडा कर देंगे। वो तो आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा बाबा जी सही है को कौन सही है। 2022 विधानसभा चुनाव अपने छठे चरण में पहुंचने जा रहा है और लगभग लगभग अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो एक पिक्चर क्लियर हो रही है। लेकिन बीजेपी का गढ़ जो लगातार माना जाता है पूर्वांचल, वहां पर क्या स्थिति है इसको जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश की एक सीट संत कबीर नगर जिले पहुंचे हैं, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छठे चरण में संत कबीर नगर जो कि गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जिला है, जो गढ़ है, जहां से वो प्रत्याशी भी है गोरखपुर सदर से, उससे सटे जिले में लोगों का क्या कहना है। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि गोरखपुर में बीजेपी बड़े स्तर पर काम कर रही है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रभाव है। लेकिन हम आपको आज ये बताएंगे कि गोरखपुर से सटा जिला संत कबीर नगर, वहां पर लोग क्या सोचते हैं, वहां पर लोगों का क्या कहना है। इसके लिए हमने एक रैंडम गांव में, हम निकल रहे थे यहीं से, अचानक से एक गांव में पहुंचे हैं जहां पर हम बात करेंगे। हालांकि हम लोगों को देख के जब हम लोगों ने कैमरा निकाला, आईडी निकाली, तो काफी लोग बाहर आ चुके हैं। हम इन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले ये बताने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव में, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, कई जगहों पर मतदान होना है। 3 तारीख को यहां पर मतदान होना है। तो अभी लोग क्या सोच रहे हैं, पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और लोगों से सीधे जानेंगे कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर छठे चरण पर, क्योंकि ये वही चरण है जिस चरण के लिए पश्चिम से यह कहा गया कि वहां से बर्फ भेजी जाएगी और गोरखपुर को ठंडा कर दिया जाएगा। तो यहां पर लोग कितना उस चीज के लिए तैयार है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आग और प्रचंड होगी या सच में वो अखिलेश यादव के बयानबाजी की तरह वो चीजें और ठंडी होंगी, ये सारी चीजें आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर चेक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले एक दादा से सफेद कपड़े दिख रहे हैं, क्या करते हैं दादा? खेती काम करते हैं। किसान है? किसान है। नाम क्या है? रामदास यादव। किसान? बड़ा चल रहा किसान 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 परेशान। हाँ तो परेशानी तो रहबे दिखबे कैले, धान हमने बेचे गए, धान नहीं बिकाई। नहीं बिका? नहीं बिका। तब दौड़ाते दौड़ाते थक गए और धान भी नहीं लिए। तो बताया जा रहा बड़ा काम हो रहा है, बगल में ही गोरखपुर है, बता रहे हैं बाबा जी कि सब कुछ बड़ी, आज ये सड़क है, उथुआ है, सारे टूटी फाटी है, सब सब बेकार है। समाजवादी सरकार इससे अच्छी रही, 100 नंबर, 112 नंबर, 108 नंबर चलाई। बाबा की तरफ से कोई ऐसी योजना जो चली कि जनता तक पहुंची? नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। तो क्या चल, क्या हुई? ये अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार आएगी, क्या होगा बाबा जी? योगी सरकार आएगी। अरे यहीं पर दूसरे में गड़बड़ हो गया मामला, एक के गांव में दूसरे में ही गड़बड़ हो गया। क्या अच्छा बाबा जी क्या किया ऐसा जो आएगी? सब कुछ किए हैं, जो भी करना, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि। सब छोड़िए, गाँव में है किसानी, बताइए सबसे पहले। एक नंबर की किसानी है, मैं इस ब्लॉक का सबसे बड़ा किसान हूँ। हाँ, और मुझे हर तरह से लाभ मिल रहा है। हाँ। कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या दादा, दादा क्या दिक्कत, क्या दिक्कत आई? हम लोगों को किसान, किसानी से लेकर के और जो कुछ है, जो सारू जी के माने बुढ़ार घाट से अकरमैनी घाट तक एक रुपए का काम नहीं हुआ। अच्छा रुकिए, एक तरफ बीजेपी एक तरफ सपा, ये बताइए, बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आप बता रहे हुआ हम एक। हाँ, बाबा जी से ये पूछना चाहते हैं हम लोगों, क्या जो अखिलेश दिए उससे बदले में क्या हम वो तो एकदम गिनाया जा रहा है एकदम लाइन से कि इतना हमने, इतना हजार कुंटल धान खरीद दिया, इतना गेहूं खरीद दिया। दौड़ाते दौड़ाते थक गए, हमारा धन में हमारा खुद नहीं था। नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदाया है। खरीदाया है जी। ये तो बता रहे हैं भैया खरीदाया, एक गांव में नहीं खरीदा, एक किलो धान नहीं बेचे हैं, पूछ लीजिए। नहीं बेचे हैं? बेचे हैं। बेचे, चलिए ये तो एक दूसरा चर्चा का विषय है जो बेचा गया कि क्या नहीं बेचा गया है। क्या नाम दादा आपका? शिव प्रसाद गुप्ता। क्या माहौल? ठीक है। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। गाँव में क्या चल रहा है? गाँव में भी बढ़िया चल रहा है। गाँव में क्या बढ़िया चल रहा है? बढ़िया देखिए, हमारे गाँव में बहुत से लोग आए और गए, लेकिन हमारे गाँव की बड़ी दो समस्याएं हैं जो कि हमारे गांव में आने का रास्ता जो आप आए होंगे। हाँ। इतना गंदगी है। हाँ।
कोई प्रतिनिधि जो है, चाहे प्रधान हुआ, चाहे एमपी, चाहे विधायक, या कोई भी इस पर सुनने वाला नहीं है। तो अब कैसे सुनाएंगे? अब वोट डालना है, अब तो सुना सकते हैं, चुन सकते हैं, तो क्या करेंगे? अब तो कोई कर्म करेंगे, जिसको समझ में आएगा जहाँ वोट देगा। उन समझ में आ रहा है अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारे। अरे जल्द चुनाव आ गया, आप कब समझेंगे? समझेंगे ना, समझ लिए, समझ में आ गया, आ गया, अंदर रखे हैं। किसका लग रहा है भाई? अच्छा, गांव का क्या लग रहा है? अपना छोड़िए, गांव का बताइए। गांव का ये हमारा नाथनगर ग्राम सभा है, यहीं के प्रत्याशी हैं। तो हम कौन प्रत्याशी? अरे अलगू प्रसाद चौहान जी, कौनी पार्टी से, वो छड़ी उनका निशान है। तो रह गए वो गांव के हैं, तो भाई उनके ओर तो हम लोग ना भाजपा ना सपा ना कोई ना छड़ी। हाँ, जैसे गांव के नाते वो हमारे गांव के हैं ना। थोड़ा अभी मान लीजिए संदेश आ जाता है, तो कहेंगे भाई गांव वाले कैसे हैं कि जो अपने एक विधायक को अपने अपने गांव से नहीं जिता पाए, या अपने क्या नाम है बूथ से नहीं जिता। एक चीज बताओ, बाबा की सरकार को 5 साल हो गया, अब तो चुनाव आ गया, बिल्कुल एकदम आपका भी आ गया वोट डालने का टाइम, कितने नंबर दोगे आप बाबा को? नंबर अब हम तो 10 में कितने नंबर दो? नंबर मतलब हमको बताइए, क्या नंबर, कैसे काम, जो काम किए हैं, काम जो तो अच्छा किए हैं, तो कितना नंबर दोगे आप 10? अरे हम तो 10 में तो उनको चाह रहे हैं कि काना 8-10 नंबर तो उनको मिलना चाहिए, 8-10 मिलना चाहिए। हाँ, पास हैं। हाँ, पास हैं, सारा काम हो रहा है। दद्दू बता रहे थे, अब ये देखो दद्दू यहाँ भी खड़े हैं, ये दिखाइए, फोकस करिए पहले दादा पर। दादा बता रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, सब बेकार हो गया। हुआ जैसा देखिए, इतना जनता है, जितना लोग अगर वोट दे रहे हैं, जितना लोग दे रहे हैं, अगर वो चाहे हमारा सब काम हो जाए तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी, सारा काम नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। कि जितने लोग हम लोग खड़े हैं, सबकी मन की बात की याद, मैंने वोट हमको दिए हैं तो हमारा काम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो होगा सबके लिए होगा, एक के लिए तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो होगा सबके लिए होगा। और हम सबसे पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या नाम भैया? सत्य प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या चल रहा है इस समय? बढ़िया, जय श्री राम चल रहा है। जय श्री राम चल रहा है। बिल्कुल, तीनों सीटें पर प्रचंड बहुमत से जीत रही भाजपा सरकार, बीजेपी। बिल्कुल, क्या करी है बीजेपी? बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए सम्मान निधि है, राशन दे रहा है, तेल दे रहा है, नमक दे रहा है, चना दे रहा है, क्या चाहिए? अखिलेश यादव घूम घूम के चिल्ला रहे हैं बुलडोजर और बुल से बचो, सांड से बचो। बुलडोजर जो नाजायज संपत्ति बना के रखा है, गरीबों का हड़प के रखा है, उसी पे बुलडोजर चल रहा है। किसानों किसी गरीबों किसानों पे चला बुलडोजर। सांड देखिए, सांड जो भाई गाय आप दूह रहे हैं, दूह के छोड़ दे रहे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसान ही तो परेशान होंगे। अगर हम गाय लगा रहे हैं, दूह लिए, अब बछड़े को छोड़ दिए, तो कहाँ जाएगा? हमारे खेत में जाएगा, आपके खेत में जाएगा? उसका आपको सोचना चाहिए ना। तो समाजवादी नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज कि बुल? ये तो गुंडों की सरकार है, समाजवादी सरकार, गुंडों की सरकार। बिल्कुल है, गुंडों की सरकार, बड़ी बात, गुंडों की सरकार। हो गया, कोई भी दंगा, कोई भी वो नहीं है, सब अमन चैन से अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हम भी एक व्यापारी हैं, सब लोग आराम से अपना खा रहे हैं। पल यादव जी, जी पत्नी है अखिलेश यादव जी की, वही सुरक्षित नहीं है? वही सुरक्षित नहीं है भाई? कहाँ वो गए थे एक बार, वहाँ गए थे किसी जगह प्रचार में गए थे, उनको उनको वो खुद नहीं सुरक्षा, धूप नहीं आ रहा है, वो अपना खुद सुरक्षा नहीं, अपना सुरक्षा कर पा रहे, तो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे? वो एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर घूम रहे। अरे घूमने दीजिए, घूमने दीजिए, उनकी एक बहू अपने घर में सुरक्षित नहीं है, वो योगी जी के पास भाग के आ रही, हमको बचाइए, हमारी इज्जत उम्र बचाइए। आप हर लड़कियों को देख रहे हैं, हर परिवार को देख रहे हैं, इतना तो भी बात, उनको भी बचाइए, उनके शरण में जा रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि अखिलेश यादव के यहाँ सरकार में सुरक्षित है महिलाएं? अब तो ये बताया जा रहा है, एक नारा केवल मैं पूछना चाहूंगा, मैं ज्यादातर जहां जहां पूर्वांचल में जा रहा हूं ये बात पूछ रहा हूं। पश्चिम में जयन चौधरी एक लाइन बोले कि जब बाबा ने बात कही कि जहां जहां पर कैराना या जहां पर शिमला बना देंगे, तो ये कहा गया कि हम पूर्वांचल में भी बर्फ भेजेंगे, हम गोरखपुर ठंडा कर देंगे। वो तो आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा। है इसकी बात करें? बिल्कुल, आने वाले 10 तारीख को वो तो पता चल जाएगा कि बाबा जी सही हैं, कौन सही अच्छा, है। अभी तक की तो दादा मिले थे, अभी दादा वो जा रहे हैं। दादा एक चीज आप जाते जाते बताइए, देखिए इनकी हम चलती गाड़ी रोकेंगे, सब लोग तो कुछ हौरी बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये है समाजवादी की सरकार आएगी और उनका कार प्रत्याशी कौन है समाजवादी के? समाजवादी के पांडे जी हैं, चौबे जी हैं, और इधर सीट के कौन है? हमारी सीट जो छड़ी है, छड़ी है, अच्छा, गठबंधन में ओम अच्छा। प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश राजभर जी, ओके, मतलब राजभर जी का भी सिस्टम है यहाँ। हाँ, राजभर जी चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाजपा में थे? भाजपा थे, अब क्या हुई? सपा का दामन थमे है, तो वैसिक भी छोड़ दिए, वो वैसिक छोड़ दिए, एक भागीदारी समूह बनाए थे, अपना मोर्चा बनाए थे, छोड़ दिए, नहीं तालमेल में तरह से, वो ऐसी की यहाँ कोई बातचीत या कोई जलवा नहीं है, वो समाजवादी सारी सीटें जीते। पहले भाजपा में थे, फिर मोर्चा बनाए, मोर्चा छोड़ दिए, अब समाजवादी पार्टी में आ गए, तो समाजवादी के साथ हैं और उनका प्रत्याशी यहाँ थे,
मजबूत हाँ, है मजबूत है जिताने का काम। क्या 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 उम्मीद है कि क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो कोई अगर सरकार बदलती है यही आती है। चलिए आप जिसको भी करें क्या उम्मीद है। सुनिए हमन पचन की सबसे बड़ा काम समाजवादी इस जिले को दिया, दसों ठो पुल करमैनी घाट से लेके बिड़हर घाट तक इसके बीच जो है दसों ग्यारहों पुल दिया, भाजपा सरकार एक पुलिया तक नहीं इसमें बनवाई। क्या नाम बाबा आपका? बुधराम। क्या चल रहा है आपका? अब क्या चल रहा है, समाजवादी चल रहा है। हम इसीलिए पूछे, आप इनके सारथी बने हुए थे ना, इसीलिए पूछे क्या चल रहा है। समाजवादी चल रहा है। समाजवादी चल रहा है, मजबूत चल रहा है, चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बढ़िया चल रहा है और जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। क्या नाम बाबा आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? नाथनगर। यहीं से हैं? यहीं से। क्या चल रहा है? सुबह समाजवाद ही चल रहा है। समाजवाद चल रहा है, समाज के चल रहा है एकदम कस के। क्या क्या बढ़िया है, बड़ा बवाल चल रहा है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ये बता रहे हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, ये बता रहे हैं कि हम पूरा अनाज फ्री दे देंगे, वो फिर उधर से बता रहे हैं। अब जनता सब जागरूक हो गई है, अब ये लुभाना पे नहीं कोई जाने वाला है। ये अनाज कई दिन दे देंगे, हमारी सरकार आएगी। आप सरकार तो बोली, अगर आपकी सरकार बोली है तो वो तो बोली क्या अनाज देंगे, 5 साल देगी वो, देगी और ये मार्च तक देंगे। बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा। क्या 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 बढ़िया है उम्मीद की, मतलब क्या गड़बड़ लग रहा है बाबक सरकार? बाबक सरकार में क्या अच्छा हुआ, जितना भ्रष्टाचारी है, जितना यहाँ घुसखोरी है, इसके सरकार में कभी नहीं हुआ। हुआ कुछ? हुआ बहुत, हुआ घुसखोरी बहुत हुआ। हमारे यहाँ से बच्चे आके इटावा से भर्ती हो गए पुलिस भर्ती में। हाँ। समाजवादी सरकार में। हाँ। यहाँ तो भाजपा का सरकार बनेगी। लाइन बोल गए आप? नहीं, यहाँ मतलब किसका किसकी किसकी तरफ से बोल रहे हो आप? हम भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। भाजपा? हाँ। समाजवादी ये कह रहे हैं कि हुआ ठीक है। हाँ। बता दें इस सरकार में कितना बच्चे हुए हैं? बहुत बच्चे हुए हैं इस सरकार में। वहाँ देखिए प्रधान जी खड़े हैं, उनके भी बच्चे इसी सरकार में हुए हैं। अरे इस सरकार में कितनी वैकेंसी आई है जितनी। प्रधान जी आपके बच्चे ने नौकरी मिली है? अरे प्रधान जी मिली है नौकरी? मिली है। मिल गई है? हाँ नौकरी मिल गई। मिली है नौकरी भाई, तो उतना कर्तव्य था, मिला 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 नौकरी मिली, मिली नौकरी मिली प्रधान जी। अरे तो वैकेंसी आई थी तो उसमें किसी न किसी बच्चे को तो होना है। कोई घुस दिए हैं इस वैकेंसी में? प्रधान जी घुस दिए हैं? अपने काबिलियत पर। काबिलियत पे हुआ? हुआ वही सपा सरकार में नहीं था। क्यों सपा सरकार नहीं था? वही सपा सरकार में नहीं था काबिलियत पे भर्ती। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बात की बात है, लोकतंत्र है यहाँ, कोई भी अपना बात रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सपा सपा बीजेपी बीजेपी भैया बीजेपी योगी में योगी भैया बीजेपी भैया बीजेपी बीजेपी भाजपा बीजेपी जो राम का लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं? हाँ हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। जय। अच्छा क्या किए हैं बाबा ऐसा? बाबा बहुत अच्छा काम किया है। कहाँ कुछ अच्छा किए, सब देखो तो देखो पीछे क्या बता रहे हैं, सब सब बता रहे हैं गांव में। वो बताएंगे जो अपना पक्ष वो आदमी कहेगा वो तो अगला बोलेगा ही ना। हमारी योगी सरकार में अगला राशन फ्री पा रहा है। हाँ। तेल मिल रहा है। हाँ। हर एक चीज सुविधा मिल रहा है। आप क्या चाहिए? सरकार उनको घर में नहीं ले जाकर देगी? हाँ। भाई जिसके पास नहीं कागज को जो दौड़ धूप कर रहा है उसके पास नहीं मिला है। हाँ। जिसका जो दौड़ धूप किया उनका मिला है। हाँ। भाजपा सरकार में जितना बढ़िया काम हुआ है उतना हम जानते हैं किसी सरकार में नहीं हुआ है। और क्या उम्मीद रखते हैं, क्या किया और क्या? अच्छा बाबा सरकार अगर आती है तो बाबा से और क्या चाहते हो? बाबा से हम यही निवेदन करेंगे आगे चल के और अपने तरक्की करें, और तरक्की करें। हाँ बाबा हम यही सोचते हैं, बाबा 22 साल रहे पर अपने मुख्यमंत्री में बगैर अच्छे काम करो। और बाबा किसकी सरकार? जय अखिलेश। अखिलेश बाबा मोदी सरकार। मोदी कहाँ आ रहे हैं बाबा? योगी योगी बाबा। अखिलेश अखिलेश बाबा गठबंधन। गठबंधन जी सपा और समाजवादी पार्टी की गठबंधन से यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर मजबूत है, बीजेपी की भी सीट मजबूत है, कहीं ना कहीं आपस में एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है और शायद इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और सभी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। हालांकि सबसे बड़ी बात जो निकल कर इस बात से आई है कि ये वो सीट है जो गोरखपुर से सटी हुई है और उस जगह पर अभी भी एक सीट ऐसी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा
टक्कर एक दूसरे को दे रही है। देखना क्या होगा कि 10 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वोटिंग यहाँ पर होनी है वो एक रोमांचक वोटिंग होगी और गोरखपुर यानी जो मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है उससे सटी सीट है, इसका इम्पैक्ट सातवें चरण में जरूर जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, संत कबीर नगर।